खैरागढ़ के रण में किसकी होगी जीत, बड़ा सवाल। और लगातार बंसल न्यूज पर आप सटीक नतीजे देख रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना अभी जारी है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल झंगेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। लोगों ने सरकार के वादों और मुद्दों पर मुहर लगाई है, ये बात कोमल झंगेल ने कही। 18वें राउंड के बाद कांग्रेस 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, शुरुआत से ही देख रहे हैं, जब से मतगणना शुरू हुई है एक अच्छे डिफरेंस के साथ कांग्रेस आगे नजर आ रही थी। और अब आप देखिए 18वें राउंड के बाद कांग्रेस 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा जीत की ओर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं मतगणना में नोटा तीसरे स्थान पर है, बीजेपी दूसरे स्थान पर है। और अब कोमल झंगेल जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो कोमल झंगेल ने कहा कि लोगों ने सरकार के वादों और मुद्दों पर मुहर लगाई है, अपनी हार उन्होंने स्वीकार की है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। 21 राउंड में मतगणना खत्म होनी है, 18वें राउंड के बाद के नतीजे बता रहे हैं, 19,000 से ज्यादा डिफरेंस देख पा रहे हैं कांग्रेस का। तो खैरागढ़ के रण में लगातार सवाल यही उठ रहा था, आखिर किसकी किस्मत चमकेगी। लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं जिस तरह से मतगणना हो रही है, 19,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे है। तो प्रत्याशी यशोदा वर्मा अब जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ ही देर बाद जब मतगणना खत्म हो जाएगी तो रिजल्ट सामने होगा।